हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 9 to 12। सो क्वेश्चन नंबर 9 बेसिकली क्या कह रहे हैं, चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग बाय 9। 9 से डिविजिबिलिटी क्या करनी है, हमने चेक करनी है। तो बच्चे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आपकी 9, जब भी आपने चेक करना हो कि ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो आपने कुछ इस तरीके से करना है। आपने सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है, 5.2 आपकी एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 9। जब भी आपने 9 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, तो जो भी आपको डिजिट्स गिवन है यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है बेटा, 1 प्लस जितनी डिजिट आपको दी हुई है उनको प्लस कर दो। 4 + 3 7 और 2 9 और 9 और 1 10। तो 10, क्या 10 9 से डिविजिबल है? नो। तो यहाँ लिखोगे हेयर 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, सो 1234 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर सेकंड पार्ट है, अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। ये लाइन आपकी हर क्वेश्चन में क्या रहेगी, सेम क्वेश्चन आपके पास है 2 3 5 6। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, 2 + 3 + 5 + 6। अब देखो 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 6 16। क्या 16 9 से डिविजिबल है? हेयर 16 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, 16 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, सो 2356 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9। ओके, अब देखो पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है। पार्ट नंबर 3 में है 1125। ठीक है, करते हैं शुरू। सबसे पहले क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, 1 + 1 + 2 + 5 इज इक्वल टू 5 + 2 7, 7 8 और 9। क्या आ गया, हेयर 9 इज डिविजिबल बाय 9, 9 इज डिविजिबल बाय 9, सो 1125 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9, इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में आपके पास है 1350। ठीक है, इसमें भी सेम लिखोगे, अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, 1 + 3 + 5 + 0 इज इक्वल टू 9, एंड हेयर 9 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9, सो 1350 इज डिविजिबल बाय 9। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया है इफ 3185 इज अ मल्टीपल ऑफ 9। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है 3185 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, वेयर ए इज अ डिजिट, वट इज़ द वैल्यू ऑफ ए? यू विल फाइंड दैट देर आर टू आंसर्स फॉर दिस, फॉर द लास्ट प्रॉब्लम, देन वाई इज थर्ड सो? ठीक है, अब देखो इसने क्या बोला यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, सेम लिखोगे अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 + 1 + a + 5 इज
ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ 9, वो किसका मल्टीपल होना चाहिए, 9 का, तो 9 इंटू लिख रही हूँ मैं अभी के लिए, ठीक है। तो 5 + 3 = 8, 8 + 1 = 9, 9 प्लस ए इज इक्वल टू 9, सो ए इज इक्वल टू 9 - 9, इट मीन्स 0। तो एक तो कंडीशन ये आ गई। दूसरी कंडीशन देखो, अब दूसरे तरीके से मैं कर रही हूँ, 3 + 1 + a + 5 इज ऑल्सो इक्वल टू 9 का दूसरा मल्टीपल क्या होता है, 9 × 2 = 18, क्या होता है 18, तो ये 18 के इक्वल भी हो सकता है। 5 + 3 = 8, 8 + 1 = 9, 9 + a = 18, a की वैल्यू क्या आ गई, 18 - 9 यानी कि 9। अब a हमारे पास क्या बेटा, सिंगल डिजिट नंबर, a हमारे पास क्या, सिंगल डिजिट नंबर। अगर मैं यहाँ पे 27 लूँगी तो 27 में से 9 गया, 18 बचा बेटा, वो क्या आ गया, टू डिजिट नंबर, क्या आ गया, टू डिजिट नंबर। लेकिन a तो हमारे पास क्या है, सिंपल वन डिजिट नंबर है। हेयर a इज़ अ सिंगल डिजिट नंबर, a इज़ अ सिंगल डिजिट नंबर, सो a मस्ट बी 0 or 9, या तो 0 होगा या 9 होगा। इससे ज़्यादा लोगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, टू डिजिट नंबर बन जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, चेक द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 3। 3 का डिविजिबिलिटी रूल जैसा कि आपका 9 का डिविजिबिलिटी रूल है, बिल्कुल सेम है। अब इसने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू, पहला हमारा पार्ट है 1193, अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी ऑफ 3, तो क्या आ गया, सारे डिजिट्स को प्लस कर दूँ, 1 + 1 + 9 + 3, 9 और 1 = 10, 10 और 1 = 11, 11 और 3 = 14, 14 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, 14 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो 1193 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। सेकेंड पार्ट 2235, अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल, ये लाइन आपने हर क्वेश्चन में लिखनी है, अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या होगा, 2 + 2 + 3 + 5, 5 + 3 = 8, 8 + 9 = 10, 10 over 2 = 12, 12 इज डिविजिबल बाय 3, इज डिविजिबल बाय 3, सो 2235 इज डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट देखो पार्ट नंबर थर्ड 435, सेम लाइन, अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, क्या 4 + 3 + 5 कितना बना, 4 और 3 = 7, 7 और 5 अगेन 12, इट इज़ डिविजिबल बाय 3, सो 435 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अब पार्ट नंबर 4 की स्टेटमेंट मैं आपको लिख के दे रही हूँ, यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ और कमेंट बॉक्स में आंसर देना, इट इज़ डिविजिबल बाय 3 और नॉट डिविजिबल बाय 3। अब आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट नंबर फर्स्ट, 24x, आपको x की वैल्यू निकालनी है अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। तो यहाँ पे सेम केस बेटा, अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, 2 + 4 + x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, या तो 3 होगा या 6 होगा या 12 होगा। यहाँ से देखा 2 + 4 = 6, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 6, तो 6 + x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6 - 6 = 0। ओके, नेक्स्ट केस में यही सेम कंडीशन, 2 + 4 + x 9 के इक्वल हो सकता है, तो 6 + x = 9, x इज इक्वल टू यहाँ से मेरे पास कितना आ गया बच्चे, 9 - 6 = 3। सेम नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2 + 4 + x इज इक्वल टू 12, तो 6 + x = 12, x इज इक्वल टू 12 - 6, इट मीन्स 6। नेक्स्ट 12 के बाद क्या आता है, 15, 2 + 4 + x इज इक्वल टू 15, 6 + x इज इक्वल टू 15, सो x इज इक्वल टू 15 - 6 = 9। अब इससे आगे लोगे 15 से नेक्स्ट मल्टीपल क्या होता है बेटा, 18, तो 18 में से 6 गया, हमारे पास टू डिजिट नंबर बनेगा, लेकिन x हमारा सिंगल डिजिट नंबर है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ क्या लिखोगे, सो
एक्स इज इक्वल टू 0, 3, 6 और 9, या 0 होगा या 3 होगा या 6 होगा या 9 होगा। नेक्स्ट हमारे पास देखो पार्ट नंबर सेकंड, 3, 1, x एंड 5, ठीक है। यहाँ पे भी सेम लिखोगे अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, थ्री प्लस वन प्लस एक्स प्लस फाइव, फाइव प्लस थ्री 8 और 1 9, ठीक है। तो जो ये सम बन रहा है बेटा अप्रोक्स वहाँ तक तो चलना ही चलना है, ठीक है। तो कितना आ गया, 9 प्लस x इज इक्वल टू 9, सो x इज इक्वल टू 0। अब इसे आगे चलो, यहाँ पे अब मैं लिख रही हूँ 3 प्लस 1 प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, के बाद क्या आता है 12, ठीक है। तो 9 प्लस x इज इक्वल टू 12, सो x इज इक्वल टू 12 माइनस 9, इट मीन्स x इज इक्वल टू, यहाँ से मेरे पास कितना बचा, बचे 3। नेक्स्ट केस, 3 प्लस 1 प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू 12, सो 9 प्लस x इज इक्वल टू 12, सॉरी 12 तो हो चुका 15, एक्स इज इक्वल टू 15 माइनस 9, 6। नेक्स्ट हमारे पास है 3 प्लस 1 प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू 18, सो 9 प्लस x इज इक्वल टू 18, सो x इज इक्वल टू 9। अब देखो अगर मैं इसके अलावा कोई और नंबर लूँगी तो वो टू डिजिट नंबर हो जाएगा, क्योंकि 18 में से 9, 18 के बाद क्या आएगा 21, 21 में से 9 गया बेटा 12, तो वो क्या आ गया टू डिजिट नंबर। लेकिन x मेरे पास क्या है, सिंगल डिजिट नंबर, तो यहाँ पे क्या आ गया, सो x इज इक्वल टू 0, 3, 6 एंड 9। ओके तो बेटा ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर। थैंक यू सो मच।